हुण गल करांगे मौसम दी। मौसम विभाग वालों अलर्ट जारी किया गया, पंजाब विच तीन चार दिन तक मीह पवेगा, यह अलर्ट जारी किया गया। पूरे सूबे विच मीह पैण दी संभावना इत्थे जताई जा रही है। मौसम विभाग वालों येलो अलर्ट जारी किया है ते हड़ां दे हालातां विचाले मीह पैण दी संभावना इत्थे जताई जा रही है। जो रेन पैटर्न है वह चेंज होया, पहलां नालों कुछ थावां ते हुंदी है ते नाल लगदी कुछ होर थावां ते मीह नहीं पैंदा, ये अधिकारी इत्थे दसदे होए नज़र आए। हड़ां दे हालातां विचाले मीह पैण दी संभावना इत्थे जताई गई है ते लोकां दी परेशानी किते ना किते होर वध गई है, क्योंकि पानी दा पद्धर पहलां ही घटण दा ना नहीं ले रहा ते उत्तों मीह तीन चार दिन जे लगातार पवेगा तो पानी दा पद्धर वध सकदा है। हड़ां दी मार हेठां पहलां ही पंजाब दे पिंड इस समय ने ते मीह पैण कारण लोकां दीआं चिंतावां होर वध सकदियां ने। मौसम विभाग वल्लों येलो अलर्ट जारी किया गया। सैनऑप्टिक कंडीशन देखिए तो सानू पता चलता कि मॉनसून वास्ते कंडीशनज फेवरेबल बनिया हुई हैं। सो आने वाले चार पाँच दिन सारे पंजाब विच ही काफ़ी थावां ते लाइट टू मॉडरेट जिहड़ी बारिश हो सकती है। इहदे तो इलावा लाइटनिंग और जिहड़े थंडरस्टॉर्म्स भी हो सकते हैं और कुछ थावां ते हैवी रेन होने की भी प्रिडिक्शन है। और इहदे करके 26, 27 और 28 जुलाई में तीन दिन IMD वालों येलो अलर्ट भी पंजाब वास्ते जारी किया गया है। आने वाले दिनों में असी टैंपरेचर ज़्यादा चेंज नहीं एक्सपैक्ट कर रहे। जे असी अज का मैक्सिमम टैंपरेचर देखिए, डे टाइम टैंपरेचर 31.6 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्जर्व किया गया, जदों कि अज का नॉर्मल 33.5 डिग्री है। सो लगभग 1.9 डिग्री जिहड़ा नॉर्मल तो डे टाइम टैंपरेचर अज नीचे ऑब्जर्व किया गया। सो इस तरह का जिहड़ा रेनफॉल का पैटर्न है बड़ा चेंज होया। सैकेंडली जिहड़ी हुण रेनफॉल अजकल हो रही है पॉकेट्स विच बहुत हो रही है, थोड़ी जगह पर हुंदी है नाल दी जगह पर नहीं हुंदी। सो ये जिहड़ियां चेंजेस असी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिहड़ा रेनफॉल के पैटर्न विच इस तरह दीआं चेंजेस पिछले कुछ सालों तो आ रही हैं। हुण गल करांगे मौसम दी। मौसम विभाग वालों अलर्ट जारी किया गया, पंजाब विच तीन चार दिन तक मीह पवेगा, ये अलर्ट जारी किया गया। पूरे सूबे विच मीह पैण दी संभावना इत्थे जताई जा रही है। मौसम विभाग वालों येलो अलर्ट जारी किया है ते हड़ां दे हालातां विचाले मीह पैण दी संभावना इत्थे जताई जा रही है। जो रेन पैटर्न है वह चेंज होया, पहलां नालों कुछ थावां ते हुंदी है ते नाल लगदी कुछ होर थावां ते मीह नहीं पैंदा, ये अधिकारी इत्थे दसदे होए नज़र आए। हड़ां दे हालातां विचाले मीह पैण दी संभावना इत्थे जताई गई है ते लोकां दी परेशानी किते ना किते होर वध गई है, क्योंकि पानी दा पद्धर पहलां ही घटण दा ना नहीं ले रहा ते उत्तों मीह तीन चार दिन जे लगातार पवेगा तो पानी दा पद्धर वध सकदा है। हड़ां दी मार हेठां पहलां ही पंजाब दे पिंड इस समय ने ते मीह पैण कारण लोकां दीआं चिंतावां होर वध सकदियां ने। मौसम विभाग वल्लों येलो अलर्ट जारी किया गया। सैनऑप्टिक कंडीशन देखिए तो सानू पता चलता कि मॉनसून वास्ते कंडीशनज फेवरेबल बनिया हुई हैं। सो आने वाले चार पाँच दिन सारे पंजाब विच ही काफ़ी थावां ते लाइट टू मॉडरेट जिहड़ी बारिश हो सकती है। इहदे तो इलावा लाइटनिंग और जिहड़े थंडरस्टॉर्म्स भी हो सकते हैं और कुछ थावां ते हैवी रेन होने की भी प्रिडिक्शन है। और इहदे करके 26, 27 और 28 जुलाई में तीन दिन IMD वालों येलो अलर्ट भी पंजाब वास्ते जारी किया गया है। आने वाले दिनों में असी टैंपरेचर ज़्यादा चेंज नहीं एक्सपैक्ट कर रहे। जे असी अज का मैक्सिमम टैंपरेचर देखिए, डे टाइम टैंपरेचर 31.6 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्जर्व किया गया, जदों कि अज का नॉर्मल 33.5 डिग्री है। सो लगभग 1.9 डिग्री जिहड़ा नॉर्मल तो डे टाइम टैंपरेचर अज नीचे ऑब्जर्व किया गया। सो इस तरह का जिहड़ा रेनफॉल का पैटर्न है बड़ा चेंज होया। सैकेंडली जिहड़ी हुण रेनफॉल अजकल हो रही है पॉकेट्स विच बहुत हो रही है, थोड़ी जगह पर हुंदी है नाल दी जगह पर नहीं हुंदी। सो ये जिहड़ियां चेंजेस असी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिहड़ा रेनफॉल के पैटर्न विच इस तरह दीआं चेंजेस पिछले कुछ सालों तो आ रही हैं।